अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं मोहम्मद इलियास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो तमाम फ्रेंड्स, आज मैं आया हूं कायद आज़म लाइब्रेरी, जो आपके साथ भी शेयर करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं कायद आज़म लाइब्रेरी को। वैसे तो ये नाम की तरह कायद आज़म लाइब्रेरी बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी है। तो ये सामने की तरफ है। तो तमाम फ्रेंड्स, ये दूसरी तरफ के साइड देख के ही पता चलता है कितना बड़ा लाइब्रेरी है। तो ये दूसरी तरफ, और ये एक छत है। अभी तो इसमें पानी को भी रोक दिया गया है। और ये पार्क एक बहुत बड़ा पार्क के अंदर है, जिसमें ये है प्ले एरिया, जिसमें अब भी खेलने के लिए बच्चे आते हैं, लोग आते हैं, इसमें खेलते हैं। प्ले एरिया भी इसके साथ है। तो बहुत बड़ा पार्क है, उसके अंदर ये लाइब्रेरी भी है। तो हम भी आए थे यहाँ कायद आज़म लाइब्रेरी में। ये प्ले एरिया है, जो अभी भी यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, बड़े भी इधर खेल रहे हैं। तो तमाम फ्रेंड्स, सबसे पहले कायद आज़म लाइब्रेरी के लिए एक लाइक अभी ज़रूर करें। तो अब घूमते हैं हम इसके दूसरी तरफ। ये देखिए, अब हम आ रहे हैं पार्क की तरह। ये बहुत बड़ा पार्क है। वैसे हमने तो इसका आधा भी नहीं घूमा। तो तमाम फ्रेंड्स, ये जो दो दरख्त थे, इनको दो परिंदे जैसे बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत बनाया है इनको। तो आइए मेरे साथ देखिए कायद आज़म लाइब्रेरी और पार्क। ये बेस्ट डिज़ाइन से बनाया है। तो अब मेरे फ्रेंड भी यहाँ है। चारों तरफ फैला हुआ बहुत ही बड़ा पार्क है। वैसे चलो उस तरफ जाते हैं। जो फूल भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, उनके डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी की है पार्क में। जो घास भी है, उन सारे सब डिज़ाइन उनके साथ बनाए हुए हैं। हाँ, ये भी देख, इसमें वो जो शेप बनाए हुए हैं इन्होंने। अगर ये पसंद आए तो हमें ज़रूर बताना। तो तमाम फ्रेंड्स, पार्क आपको पसंद आया हमें ज़रूर बता देना। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को क्लिक ज़रूर करें, ताकि आने वाली नई वीडियो से बाखबर रहे। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह।